सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और गाइस चेक दिस आउट, आज हमने यहाँ पर टेंट डाला हुआ था। बेसिकली टेंट हमने यहाँ डाला था, ये देखिए ये वाली जगह पे। और ये देखिए अपना जो चेतक है रेडी है, और अभी हम बस इसको फोल्ड करके आगे निकलेंगे। ये वाला जो है रोड है, गांव वाले रोड से हम जा रहे हैं, और पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने रात में यहीं रुक लिया भाई गांव में, क्योंकि यहाँ की कम से कम 15-20 आदमी ने हमको ये बोला कि क्या कहते हैं, रुक जाओ, बहुत खतरा है, बहुत लोग जान चला गए हैं करके। इसलिए हमने भी उनका बात सुन के यहीं टेंट डाल लिए। तो यहाँ के भैया जो दुकान मालिक है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और क्या कहते हैं रुकने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया, तो उसके भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप भी कॉल ही है, तो दुकान वगैरह अभी बंद ही है, खुला नहीं है। बाकी हम निकलेंगे आगे के लिए, ये देख सकते हैं अपना जो है ये कैंपिंग टेंट फोल्ड करेंगे। चेतक को तो मैं पूरा रेडी कर दिया हूँ, सब चीज़ रेडी है, बस निकलेंगे यहाँ से। सो है गाइस, अभी मैंने काफ़ी दूर तक चढ़ाई किया है, तकरीबन 8-10 किलोमीटर चढ़ाई किया हूँ। और रोड भाई साहब देखिए, इस तरीके का रोड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है फुल मात्रा में। और ये देखिए, ये जो सड़क दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से पूरा चढ़ाई है, पूरा मतलब बहुत नीचे से आया हूँ, और मेरा साइकिल का ब्रेक जो है फेल हो गया है। तो मैंने अभी इसी वक्त सुधारा है मेरा साइकिल को, ब्रेक वगैरह टाइट कर लिया हूँ अच्छे से। मेरे पास कुछ पाना वगैरह रखा हुआ था, तो चेतक अभी ठीक है, थोड़ा सा उसका स्क्रू ढीला हुआ था, उसको मैं टाइट कर दिया। बाकी चलिए आगे चढ़ना पड़ेगा, तकरीबन 2 किलोमीटर और चढ़ाई है, उसमें वहाँ चढ़ने के बाद थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर का ये ढलान आएगा, तो वहाँ फिर अपन मस्त चलना पड़ेगा। यहाँ तो अभी पैदल ही चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर, देख सकते हैं भाई इस तरीके का चढ़ाई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए अनार का पेड़ कैसे है यहाँ पास, जगह यहाँ पास अनार का पेड़ है, ये वाला जो है एप्पल का पेड़ है, और ये भी अनार का पेड़ है, ये भी अनार का पेड़ है। तो अनार का पेड़ सड़क पे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ना बबूल का पेड़ सड़कों पे उगा हुआ था, वैसे इधर अनार का पेड़ उगा हुआ है, और फुल अब जंगल है, देख सकते हैं पूरा पहाड़ के वादियों में हूँ इस वक्त, ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए इधर भी पहाड़ है, और आगे भी बहुत ज़्यादा पहाड़ है, वो भी दिखाता हूँ आप। ये देखिए पूरा पहाड़ है, और ये वाला रास्ते से अपन आए हैं, ये देखिए गाड़ी आ रही है, वहाँ से अपन आए हैं, और इधर चलना है भाई। सो है गाइस, एक और देख सकते हैं व्यू पे आ गया हूँ, और ये जो है ये देखिए ये रोड कितना चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई होते 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 इधर ऊपर तक आया है, और उसी चढ़ाई के साथ साथ इधर आ गया हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ हिमाचल में, और कई जगह तो पैदल ही चल के जा रहे हैं, ऐसा सीन हो रखा है। बाकी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं शिमला की ओर, और यहाँ से 2 किलोमीटर और चढ़ाई करने के बाद में पूरा ढलान मिलेगा करके उम्मीद है। और बाकी ये देखिए यहाँ का गांव कैसे बसा रहता है, ये गांव है पूरा, मतलब मुश्किल से 15-20 घर होगा, और ये गांव का नाम है। तो इस तरीके से यहाँ खेती भी, देखिए सीढ़ी नुमा खेती है, तो इस तरीके से खेती भी होता है यहाँ, और पूरा लोग नीचे में रहते हैं, और जाना होता है तो इस तरीके से आते हैं, ये देखिए सड़क पर। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस इस वक्त लंच करने का टाइम हो गया है, और इस वक्त मैं लंच ही कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये खा रहा हूँ, दाल है, अचार है, और राइस के साथ में, मस्त मज़ा आ रहा है, और पहाड़ के बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं, देखिए पूरा पहाड़ है चारों तरफ। तो है गाइस इस वक्त हैं हम शिमला से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पास चाय पीने के लिए रुके हैं, और ये सर है जिन्होंने हमें चाय ऑफर किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें सर से मिलके। और सर जो है ये देखिए इनका कार्ड है सर का, क्या नाम है, भारतीय गौ रक्षा दल में काम करते हैं सर, तो बहुत अच्छा लगा। और सर पूरे फैमिली के साथ में अभी अपना दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और हम हैं पहाड़ के ऊपर में, और पहाड़ के ऊपर में देखिए इस तरीके से अभी चाय पी रहे हैं, देखिए ये वाला सीन कितना अच्छा लग रहा है। ये है छोटी वाली बिटिया है, वाणी नाम है उनका। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाइस देख सकते हैं काफी ढलान है, और तकरीबन 12-15 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद इस तरीके का ढलान आया हुआ है, और मेरा साइकिल जो है ऐसे चल रहा है एकदम मस्त। और ये देखिए
वातावरण का लुप्त उठाइए, मजा लीजिए। इस तरीके का रोड है, ये देखिए पूरा पहाड़ वाला सीन है भाई साहब। एक हाथ से ब्रेक कंट्रोल कर रहा हूँ और एक हाथ से चल रही है ये रिकॉर्डिंग वाला सीन। ये यहाँ ये वाला पेड़ है, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है हिमाचल में, काफ़ी है ये वाला जो पेड़ दिख रहा है। इससे डामर बनता है, पेंट बनता है और इसका बीज अलग से काम आता है। इस पेड़ का बहुत सारा उपयोग है और जड़ से लेके पूरा इसका पत्ते तक काम आता है। इसका पत्ते का बनता है गद्दा, ये वाला पेड़ है ये देखिए, जितना भी पेड़ दिख रहा है। और ये उगता है केवल ठंडी एरिया पे, और ठंडी एरिया के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता ये वाला पेड़, सबसे ज़्यादा यहीं होता है ये पेड़ जो है। और अच्छा भी दिखता है लुकिंग गाइस, और काफ़ी लंबा लंबा होता है गाइस ये पेड़। वाओ, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बट ठंडी भी लग रही है। मैं कुछ स्वेटर वगैरह नहीं लगाया हूँ क्योंकि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गर्मी लग गया था। अब बस बिना पैडल के नीचे जा रहा है ना, तो इस वजह से ठंडी लग रहा है। ये इधर देखिए भाई साहब, अच्छा लग रहा है ना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मजा आ गया ये सीन। पूरा नीचे घर है, इधर देखो पूरा पहाड़ एकदम अंदर में घर, ऊपर पहाड़, और पहाड़ के ऊपर में भी हम जा रहे हैं अभी शिमला। भाई साहब नेक्स्ट लेवल का चढ़ाई, एकदम पहाड़ के टॉप में है। सो गाइस, आज देख सकते हो मैं ऑल इंडिया सेकंड राइडर कितना 16वां राज्य में हूँ, 15 राज्य कंप्लीट करके हिमाचल पहुँचा हूँ। और हिमाचल में एक पत्थर है, इसको मैं तोड़ने का कोशिश करूँगा, ये मुक्का से देखता हूँ कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। और आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 2 3, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बट टूट गया गाइस, ये मायने रखता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस देख सकते हैं आज किस तरीके से ये दीपावली सेलिब्रेशन हो रहा है। आज हम रुके हैं एक गुरुद्वारा में और इस तरीके से बहुत ज़्यादा से शिमला को सजाया गया है। और यहाँ चल रहा है भाई लंगर, देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा से। और यहाँ बैठ के हम अभी खाना खाएंगे, आज नाइट में यही बस सोऊंगा मैं। और ये देख सकते हैं मेरे बेड वगैरह लग गया है ये इस तरीके से। वीडियो आज का अच्छी लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।